योर मेजेस्टी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, आप सभी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत और ओमान करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता में ओमान का गेस्ट कंट्री के रूप में बहुत मूल्यवान योगदान रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ओमान को अपना दूसरा घर मानते हैं। ये लोग हमारे करीबी संबंधों और हमारी मित्रता का जीता जागता उदाहरण है। उनकी देखरेख में हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम का मैं निजी रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक से हर क्षेत्र में हमारा बहुआयामी सहयोग और सुदृढ़ होगा। योर मैजेस्टी, एक बार फिर भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीने ओमान ने 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपको आमंत्रित करता हूं।